अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो अपने व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप बना रखा था उसको कैसे आप रिस्टोर कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर में अगर होगा तो वो तो ऑटोमेटिक अपने मतलब बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन अगर गूगल ड्राइव पे है तो उसको भी कैसे आप कर सकते हैं उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप बना सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप बना सकते हैं व्हाट्सएप चैट्स का। तो चलिए पहले मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए, यानी आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कीजिए। जाहिर सी बात है, इंस्टॉल करने के बाद में आप सिंपली उसे ओपन कीजिए। डाउनलोड कहाँ से करना है आपको पता है, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसे इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आकर के आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद में ये पूछेगा आपसे कि क्या ये नंबर सही है आपका, तो आपको ओके कर देना। अगर सही नहीं है तो आप एडिट पे करके एडिट कर सकते हैं, बट मैंने ओके कर दिया। आपके पास में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप इसके अंदर में रख दीजिए, डाल दीजिए। अगर इसी मोबाइल में है तो ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर इस मोबाइल में नहीं है किसी और मोबाइल में है तो आपको ओटीपी यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद में जैसे ही ये इंटर कर दीजिएगा, उसके बाद में ये जो है यहाँ पे पूछेगा टू फाइंड एंड रीस्टोर योर बैकअप फ्रॉम गूगल ड्राइव अलाउ व्हाट्सएप एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स एंड योर डिवाइसेस फोटोज मीडिया एंड फाइल्स। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा तो ये अलाउ के लिए पूछेगा, आप इसको अलाउ कीजिए। ये मैं बता रहा हूँ कि आपको बैकअप बनाना है तब ये काम आएगा। अब ये लुकिंग फॉर बैकअप्स, बैकअप के लिए ये देखेगा, अगर फ़ोन के अंदर में होगा तो वहाँ पे देखेगा, नहीं तो फिर उसके बाद में गूगल ड्राइव पे देखेगा। अभी ये फ़ोन के अंदर में सर्च कर रहा है, सर्च करने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है बैकअप फाउंड, 6 मिनट पहले जो है इसका बैकअप बना हुआ है जो कि मैंने बनाया था। उसके बाद में यहाँ पे बता रहा है उसका साइज़ क्या है, इसको आप रिस्टोर करेंगे तो यहाँ पे बताएगा रिस्टोर योर मैसेजेस एंड मीडिया फ्रॉम योर फोन्स इंटरनल स्टोरेज, इफ़ यू डोंट रिस्टोर नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू रिस्टोर लेटर। अगर अभी आप इसे रिस्टोर नहीं करते हैं, आप इसे अगर स्किप कर देते हैं तो बाद में इसको आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी आप इसे रिस्टोर कर लीजिए, अगर इस तरीके से रिस्टोर आ रहा है तो। या फिर यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए आपके इंटरनल स्टोरेज में जो है आपका बैकअप नहीं है, तो फिर ये पूछेगा ईमेल आईडी के लिए कौन से ईमेल आईडी पे जो है आपका बैकअप बना हुआ है। चलिए वो कैसे होता है उसके बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर दूँगा। यहाँ पर मैं गया ऐप इन्फो में, मैं गया यहाँ पर आकर के मैं क्या करूँगा, इसको स्टोरेज को जो है मैं क्लियर कर दूँगा ताकि मैं आपको शुरू से बता पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, फिर से व्हाट्सएप ओपन करूँगा, लेकिन व्हाट्सएप ओपन करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा। फाइल मैनेजर में आने के बाद में मैं सिंपली फ़ोन स्टोरेज में जा करके जो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप नज़र आ रहा है, सिंपली मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा, इसको मैं रीनेम कर दूँगा व्हाट्सएप ओल्ड, इसको मैं सेव कर दूँगा। अभी व्हाट्सएप फाइल जो है मेरा यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, आप डायरेक्टली नया व्हाट्सएप ओपन करूँगा और यहाँ पर देखूँगा बैकअप आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं इंटर कर दूँगा, नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी एंटर करूँगा। जैसे ही ओटीपी ये वेरीफाई करेगा उसके बाद में जो है यहाँ पे नेम के लिए आएगा, लेकिन उससे पहले पूछेगा फाइंड एंड रिस्टोर योर बैकअप। सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, अलाउ पे क्लिक कीजिए, अलाउ पे क्लिक कीजिए। यानी बेसिकली जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं वेरीफाई के बाद में, आपको वेट करना है थोड़ी देर तक, तभी आपके पास में ऑप्शन आएगा किस चीज़ का, बैकअप के लिए। तो यहाँ पे बैकअप के लिए ऑप्शन आया, मैंने कंटिन्यू किया, अलाउ किया। अब ये लुक देखेगा इस डिवाइस के अंदर में कि बैकअप है या नहीं है, अगर है तो वो आएगा यहाँ पर, अगर नहीं होगा तो फिर वो देखिए अभी क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था कि वो लोकल डिवाइस में वो देखा नहीं मिला उसको, लेकिन जो ईमेल आईडी मैंने इसमें लॉगिन कर रखा है तो वो ईमेल आईडी को चेक करते हुए गया कि क्या ईमेल आईडी पे है, तो उसने इस ईमेल आईडी को चेक किया। अगर पिछले वीडियो आपने फॉलो किया होगा तो उसके अंदर मैंने इसका बैकअप बनाया था, abdurrahmanji@gmail.com पे मैंने बैकअप बनाया था, जो कि 7 मिनट पहले ही मैंने आपको बना करके बताया है कि किस तरीके से बैकअप बना सकते हैं। अभी देखिए मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, कहाँ से स्टोर कर रहा हूँ, तो ये मैं रीस्टोर कर रहा हूँ कहाँ से, मैं गूगल ड्राइव से रीस्टोर कर रहा हूँ। तो देखिए अकाउंट बता दिया कहाँ से रीस्टोर हो रहा है। अब इसका सिंपली आप रीस्टोर पर क्लिक कीजिए, सिंपली मैंने रीस्टोर पर मैंने क्या किया क्लिक किया, तो ये जो है अबाउट 2.3 MB विल बी डाउनलोडेड टू रिड्यूस डेटा यूजेज कनेक्ट योर फोन टू वाईफाई। अगर आपके पास में
ज़्यादा यहाँ पे बता रहा है, यानी अगर ये ज़्यादा एमबी का है ठीक है तो क्या होगा, जाहिर सी बात अगर ये गूगल ड्राइव पे, तो गूगल ड्राइव से तो ये डाउनलोड करेगा। तो अगर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 1.5 GB यानी आपके मोबाइल डेटा जितना मिलता है आपको डेली पैक जितना है आपका मोबाइल डेटा का, उससे अगर ज़्यादा एमबी बता रहा है तो आप बेहतर होगा आप वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप इसका इसको रिस्टोर कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये डाउनलोड करेगा। तो मैंने इस रिस्टोर पे क्लिक किया, ये डाउनलोड करेगा, डाउनलोड होने के बाद में रिस्टोर करेगा इस फ़ोन के अंदर में और उसका बैकअप जो है रिस्टोर हो जाएगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में रिस्टोरिंग मैसेजेस आपको बताएगा। तो रिस्टोर मैसेज यहाँ पे बता दिया 100% हो गया रिस्टोरिंग। अब आपको करना है नेक्स्ट बटन पे, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, यानी आपका रिस्टोर जो है वो सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे सही चेक आ गया। अभी मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब भी आप किसी और फ़ोन के अंदर में आप अपने चार्ज को रिस्टोर करते हैं तो वहाँ पे उस डिवाइस के अंदर में आपका ईमेल आईडी लॉगिन होना ज़रूरी है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। बिना लॉगिन के आप कैसे कर पाइएगा, इसलिए आप पहले उस मोबाइल के अंदर में लॉगिन कर लीजिए ईमेल आईडी, उसके बाद में आप यहाँ पे बैकअप इसका रिस्टोर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद में ये आपको बताएगा फिनिश रिस्टोरिंग योर मैसेजेस, योर मीडिया विल रिस्टोर इन द बैकग्राउंड वेन कनेक्टेड टू वाईफाई। अगर बोलेगा कि यानी आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, तो जब वाईफाई कनेक्टेड होगा तो सारे मैसेजेस सारे मीडिया जो है वो आएंगे यानी रिस्टोर होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं रिस्टोर नाउ, मुझे अभी रिस्टोर करना है, सिंपली आप रिस्टोर नाउ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में ये जो है नाम के लिए पूछेगा, सिंपली आप अपना जो भी नेम देना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, चेक गेटिंग ऑफिशियल, उसके बाद में सिंपली मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, इनिशियलाइजिंग, उसके बाद में इनिशियलाइज करके आपके सारे चैट्स जितने भी बैकअप हैं सारे के सारे रिस्टोर हो जाएंगे। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, अभी देखिए सारे चैट्स का बैकअप आपको यहाँ पे मिल गया। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से आप अपने चैट्स को रीस्टोर कर सकते हैं जिसका बैकअप आपने बनाया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने इतने ही मेरे पास में जितने चीज़ थे वो सारे इतने ही थे जिसका मैंने बैकअप बनाया था, और मैंने उसको अभी दूसरे वीडियो में मैंने आपको रीस्टोर करके मैंने बताया कि किस तरीके से रीस्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से चैट का बैकअप बनाते हैं गूगल ड्राइव पर, तो आप क्या कीजिएगा, जाहिर सी बात है आप उस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।